हेलो एवरीवन, आई एम महेंद्र सिंह फ्रॉम सैग इन्फोटेक। आज हम हमारे सॉफ्टवेयर जावा जीएसटी के थ्रू जीएसटीआर 9C की प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जीएसटीआर 9C प्रोसेस कर सकते हैं। जीएसटीआर 9C बेसिकली ऑडिट रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट है, जो कि रिकन्साइल करता है बुक्स के डेटा को रिटर्न के डेटा से। अब अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप रिटर्न के ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन पे जाने के बाद अब यहाँ से आप 9C सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और कि जब भी आप 9C करें, 9C में डेटा तभी आएगा जब आपने GSTR 1 में टर्नओवर शो किया हो, वो टर्नओवर जो कि मोर देन 2 करोड़ से ज़्यादा का हो। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे हम एरर सेलेक्ट करेंगे और गेट क्लाइंट करके हम अपना जो क्लाइंट है जिसके लिए हमें वर्क करना है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं GSTR 9C की फाइलिंग की प्रोसेस पे। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, रिकन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस। रिकन्सिलेशन ग्रॉस टर्नओवर है, जिसमें कि टर्नओवर शो होता है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें हम देख सकते हैं टोटल टर्नओवर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड स्टार जो हैं, यहाँ पे अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे कि क्या इसका यूज़ है। बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि आप इसमें एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट जो होता है वो, और जो डिक्लेयर्ड 9 GSTR 9 का डेटा है या जो अनरिकन्साइल्ड टर्नओवर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें कि अगर आप चाहें तो आप इम्पोर्ट करा सकते हैं दो तरीके से, इम्पोर्ट एक्सेल के थ्रू और रिटर्न के थ्रू। तो क्योंकि मेरे पास एक्सेल है तो मैं एक एक्सेल के थ्रू आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया एक्सेल। अब यहाँ पे आप चाहें तो ये डाउनलोड टेम्पलेट के ऑप्शन के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को ये टेम्पलेट डाउनलोड करके भी दे सकते हैं, ताकि वो उसमें इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको दे दें। और जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है एक डाउनलोडेड टेम्पलेट, तो मैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो फाइल मैंने सेलेक्ट करके रखी है, जो फाइल मैंने प्रिपेयर करी है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये 9C की मैंने फाइल सेलेक्ट करी। फाइल सेलेक्ट करने के बाद मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। ये फाइनली फाइल अपलोड हो गई। मैंने लोड डेटा पे क्लिक किया, तो जो डेटा मैंने ऑलरेडी उस टेम्पलेट में एंटर करके रखा था, वो कंप्लीट डेटा सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाता है। ये कंप्लीट डेटा आ जाता है। अब देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो डेटा मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया है वो मैं यहाँ पे देख लूँगा। अगर इस डेटा में कोई एरर होता है तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। अब जैसे मैंने डेटा चेक कर लिया और अब मैं इसे इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर मैं जैसे ही इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरे 130 रिकॉर्ड्स थे, वो कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। सक्सेसफुली डेटा इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटा मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये ऑप्शंस थोड़े हाइडेड हैं डिटेल्स में। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई फिगर एंटर करना है, तो आप ये डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली डिटेल एंटर कर सकते हैं, और जो डिटेल एंटर करेंगे वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले 10,000 था, तो मैं वही वैल्यू डाल देता हूँ। इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हैं डिटेल। यहाँ पे एक ऑप्शन और है बताने के लिए, वो ये कि यहाँ पे जो अनरिकन्साइल्ड टर्नओवर है, अभी जैसे वो ज़ीरो शो हो रहा है, अब आप इसके लिए कोई रीज़न स्पेसिफाई करना चाहें तो देखिए यहाँ प्लस का आइकन है। इस प्लस का आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपके नीजर रीज़न जो है नंबर ऑफ़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे रीजन्स नंबर ऑफ़ रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन जो हैं उनके बारे में अगर जानना चाहें तो इस ऑप्शंस पे क्लिक कर उनके बारे में डिटेल जानें, और फाइनली डेटा डिटेल डालने के बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक कर दें। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जो कि है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल। रिकन्सिलेशन टैक्सेबल में यहाँ पे शो होता है रिकन्सिलेशन टैक्सेबल टर्नओवर।
जिसमें कि जो आपकी एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट है जो कि प्रीवियसली आपने किया है 0.5 में, वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू है एग्जेम्प्टेड निल, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाई है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। और वही ऑप्शन, जैसे देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, और अगर मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूँ एक्सपोर्टेड सप्लाई डिटेल, तो वो डिटेल्स पे क्लिक करके मैं यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इस अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ फिगर को। और जो भी मैंने फिगर यहाँ पे एंटर किए, सेव पे क्लिक कर कर मैं उन्हें यहाँ पे सेव कर दूंगा। और वही ऑप्शन यहाँ इंपोर्ट का भी है कि अगर, जैसे मैंने पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल या रिटर्न्स के थ्रू भी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड। रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड पे आने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स वाइज लाइबिलिटी और एडिशनल अमाउंट पेड। अब आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो आपने प्रीवियसली पॉइंट नंबर 6, 8 और 9 में रीज़न स्पेसिफाई किए थे अनरिकन्सिलेशंस के, उसका पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर एडिशनल अमाउंट पेबल ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। इस ऑप्शन के यूज़ करने के लिए आपकी DRC 03 के थ्रू होगा, और यहाँ पर आप उनकी जो वैल्यूज़ हैं जो कि पूरे साल भर की थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीज़न स्पेसिफाई करने का ऑप्शन यहाँ पे है ही, कि आप अगर कोई रीज़न स्पेसिफाई करना चाहें तो वो स्पेसिफाई करें, और इसके बाद अगर आप पे करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकन्सिलेशन ऑफ ITC। रिकन्सिलेशन ऑफ ITC बेसिकली यूज़ में आता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ITC रजिस्टर आपने अगर मेंटेन किए होंगे तो आप वहाँ से भी डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। आप यहाँ इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएं और रिटर्न्स में अगर आपका ITC रजिस्टर आपने मेंटेन किए हैं तो वहाँ से भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सेल के थ्रू किया है तो मेरी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर आपको कोई रीज़न स्पेसिफाई करना है अनरिकन्सिलेशन का, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्पेसिफाई रीज़न कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है रिकन्सिलेशन ऑफ ITC एक्सपेंसेस। अब आपके जो भी एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करें, अगर कोई रीज़न है यहाँ पे अनरिकन्सिलेशन का वो स्पेसिफाई करें। अब जब हम ऑप्शन 16 पे आते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है टैक्सेबल ड्यू टू डिफरेंस इन ITC। तो ये डिफरेंस जो हमारा पॉइंट नंबर हमने प्रीवियसली देखा पॉइंट नंबर 13 और 14 पे, जब हमने यहाँ पे देखा पॉइंट नंबर 15, मतलब कि 13 और 15 का जो हमने रिकन्सिलेशन के रीज़न स्पेसिफाई किए थे, अब अगर हम उसका पेमेंट करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ की वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पे सेव करें और इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि है ऑडिटर्स रिकमेंडेशंस। ऑडिटर रिकमेंडेशन में अगर ऑडिटर कोई वैल्यू स्पेसिफाई कराना चाहता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर ऐड करा सकता है, और अगर नहीं तो वो उस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन जो कि ऑडिटर है उस पे जाता है। अब जैसे यहाँ सबसे पहले लाइन शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि इज़ द पर्सन मेकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज सेम पर्सन हु हैड कंडक्ट द ऑडिट ऑफ मेंशन GSTN। अब अगर आप यहाँ पर इसको यस करते हैं तो यहाँ पे केवल आपका एक ही ऑडिटर होगा जो कि दोनों केसेस में है, लेकिन अगर आप इसे नो करते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों ऑडिटर्स की डिटेल स्पेसिफाई करनी होगी। यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए मैं आपको एक ऑप्शन से बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप ऑडिटर डिटेल मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे या तो आप इंपोर्ट ऑप्शन पे जाके जो प्रीवियसली ऑलरेडी एडिट है आपका मास्टर, वहाँ से सेलेक्ट करके आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी न्यू ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन एंटर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप एज अ इंडिविजुअल उसे सेलेक्ट करें, ओके करें, उसकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करके सेव करेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो ऑडिटर या ऑडिटर 2 की रिपोर्ट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऐड करा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि है ऑडिटर रिपोर्ट्स वाला। अब यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप यहाँ पे डालें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखते हैं उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर कर ऐड करा सकते हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आप ऐड कराना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन करके रखे हैं कुछ सेक्शंस
आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन जिसका ऑप्शन आप लेना चाहें वो स्पेसिफाई करके, प्लेस डेट मेंशन करके सेव करें। इसके बाद ही आप नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे कि अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप जैसे कि इसमें ऐड कराना चाहते हैं कोई बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी अगर आप ऐड कराना चाहें वो ऐड कराएं। उसके बाद वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ सेव करें। सेव करने के बाद अब आप यहाँ डायरेक्टली ई फाइल कर सकते हैं। ई फाइल पे करने के लिए अगर आपका कोई एक्ट जो कि अदर एक्ट में आता है वो स्पेसिफाई करना चाहें तो यहाँ एक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एन ए मैंशन करें। इसके बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करी थी वो यहाँ क्रॉस चेक करके जनरेट जेएसएन पे क्लिक करेंगे। जनरेट जेएसएन पे क्लिक करने के बाद आपका जेएसएन प्रिपेयर हो जाएगा और अगर अब आप चाहें तो इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड सेलेक्ट करके आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे इस तरीके से आप GSTR 9C का प्रोसेस कर सकते हैं। ये बेसिक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप इजीली हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू GST 9C पे वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 01414072000 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी info@